सब साथी लाइफ से जुड़ जाए। अचानक लाइव एवाक कारण ई एच जे तुरंत हमर सब के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना जी के खनिकटा व्हाट्सएप पर मैसेज भेटल जे बॉस 85,000 छात्र छात्राओं का जो है सो रिजल्ट पेंडिंग है। 85,000 छात्र छात्रा के रिजल्ट पेंडिंग छे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में। और ई मैसेज हमरा बहुत सारा छात्र से हो केला फेसबुक पर। और एखन अमन सक्सेना जी के मैसेज आयल, हम कहलियन जे बॉस हमर एग्जाम है काल, काल हम परीक्षा दे ले जाए। बावजूद एकर ऊ हमरा कहला, सबसे पैघ गप छे जे भाई लाइव के कनी शेयर कह दियो वहां से। हमरा अचानक दिमाग में घूमो लागल जे भाई आखिर ई कौन व्यवस्था छे। आई सिंडिकेट के बैठक में एकटा सोशल मीडिया पर फोटो देखलिए जै में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर सिंडिकेट के सदस्य मनोनीत भेला है और वो मीटिंग में गेलखिन और वाइस चांसलर हुनकर जे छै से पाग और माला से स्वागत कर रहल छै। और सिंडिकेट के बैठक तेहन बैठक छै जे बैठक में विश्वविद्यालय के भविष्य, विश्वविद्यालय के चलबे के नीति और विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दा पर चर्चा और परिचर्चा होइ छै। लेकिन ऐ मुद्दा पर बात नहीं कैल जाए छे जे 85,000 ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के रिजल्ट पेंडिंग में छे और रिजल्ट पेंडिंग होबाक कारण एकमात्र छे जे विश्वविद्यालय और जे कंप्यूटर सेक्शन छे, कंप्यूटर सेक्शन के काज जे कंपनी करे छे ओकरा दोनों के बीच में लफड़ा छे। नया वाइस चांसलर महोदय जे छथिन ई जे कंपनी एखन काज कर रहल छले विश्वविद्यालय में ऑनलाइन के तमाम काज करे छले ई कंपनी पिछला वाइस चांसलर महोदय के समय में आयल रहे। और वो कंपनी पिछला वाइस चांसलर महोदय के जे छै से कमीशन देने रहे, पाई देने रहे। नवका जे वाइस चांसलर महोदय छथिन उनका कमीशन नहीं भेटले। और कंपनी के ई कहब छै कि विश्वविद्यालय के ऊपर हमर बहुत सारा बकाया है। हमरा जे लगैया एहिमे एकटा जेरक गप छै कि नवका जे वाइस चांसलर महोदय एलखिन हँ, वीसी एलखिन हँ, हुनका कंपनी कमीशन नहीं देलकै। अगर वो कमीशन दो देते कंपनी तो फिर से टेंडर जैसे रिन्यूअल भ जेतै, फिर से टेंडर ओकरे भेट जेतै। बावजूद ई तमाम तरह के जैसे स्थिति और परिस्थिति छै लेकिन एहि के बीच में के पिसा रहल छै। एहि के बीच में पिसा रहल छै वो छात्र जे छात्र के कॉलेज में प्रोफेसर नहीं भेटै छै, जे छात्र फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ लै छै लेकिन प्रयोगशाला के एको दिन मुँह नहीं देखे छै, वो छात्र जे छात्र के कॉलेज में एको दिन क्लास नहीं चली छे, वो छात्र जे छात्र के कॉलेज में पुस्तकालय तक नहीं छे, एहन दयनीय हालात में उत्तर बिहार के एकता विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम चल रहा छे, जे विश्वविद्यालय में एहन तरह कोनो मूलभूत सुविधा नहीं छे, मात्र डिग्री बांटो के एकता अड्डा, मात्र डिग्री लय के एकता केंद्र छे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। और कह के गप जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत चारिटा जिला अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। दरभंगा में एकटा सांसद छे, मधुबनी में दूटा सांसद छे, समस्तीपुर में दूटा सांसद छे और बेगूसराय में एकटा सांसद छे। कहे के तात्पर्य जे ई चारू जिला के मिला के दूटा अहाँ के भोगेल समस्तीपुर में दूटा, मधुबनी में चार गो सांसद, दरभंगा में एकटा पांच गो सांसद, बेगूसराय में एकटा छह गो सांसद छे। और हमरा लगैया कम से कम जे छै से 60 गो विधायक हेतै, 60 गो नहि 40-50 गो विधायक हेतै चारू जिला मिलाकर। हे अभिभावकगण, हे छात्रगण, हे नौजवानगण, तमाम पार्टी के राजनीतिक झंडा उठबो के लेल जाइ छियै अहाँ सब, अहाँ सबके भविष्य संगे खेलवाड़ भऽ रहल, अहाँ के पिताजी, अहाँ के बाबू, अहाँ के दादा, अहाँ के समाज के चचा चाची जे झंडा उठबै छै ना जे हम बीजेपी के छी, हम कांग्रेस के छी, हम आरजेडी के छी, हम फल्ला के छी, हम ठिकाना के छी, हम ठिकाना के छी, ओहि बच्चा के बाप, ओहि बच्चा के चचा चाची, दादा दादी जे पार्टी के झंडा उठबै छै ना, वह पार्टी के नेता सत्ता में काबिज होइ छै और ओ बैठ के ओ एसी रूम में बैठ के और ओकरे बच्चा के भविष्य संगे खेलवाड़ करे छै। के बजतै अहाँ के लेल, के बाजे वाला है
अहाँ फेसबुक पर तमाम पार्टी के लिए लड़ाई लड़े छे कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, अहाँ के लिए के सोच रहा है, अहाँ प्रत्येक दिन ट्रेन भर के दिल्ली बम्बई जाए छे, अहाँ के लिए के सोच रहा है। सबसे पहले हम एकटा गप कह चाहब जे 85,000 छात्र जे चारू जिला के छे ओकर रिजल्ट पेंडिंग छे, ए मुद्दा पर बात नहीं भ रहल छे। गोपाल जी ठाकुर संसद भवन के छोड़ के संसद में एखन सत्र चल रहल छे, ओतो ई मुद्दा के उठेथिन तै के लेल हुनका फुर्सत नहीं छे। गोपाल जी ठाकुर के बात किया कह, हम चारू जिला के 6 सांसद के बात कह रहल छी, एकोटा सांसद के गट्टा में ताकत नहीं छे जे 85,000 छात्र के भविष्य पर संसद भवन में एकोटा प्रश्न करे। विगत दिन विधानसभा के सत्र बीतले है, विधानसभा के सत्र में इस जिला के तमाम विधायक आरजेडी से होत, आरजेडी से देखो एकटा छे हमरा बुझने जे छै के दरभंगा में, अधिकटा मधुबनी में, आरजेडी के या बीजेपी के कोनो भी विधायक ई नहीं सोचल के जे 85,000 छात्र के भविष्य, 85,000 छात्र के रिजल्ट नहीं भेट रहल छे। ओय पर एक दिन चर्चा नहीं भेले हमर विधानसभा में, हमर विधान परिषद में, हमर लोकसभा में, हमर राज्यसभा में। अब मनोज झा अंगिका और बच्चिका में फसल छे, प्रोफेसर पुसिया के प्रोफेसर छात्र के भविष्य संगे खिलवाड़ भ रहल छे। प्रोफेसर साथी लाइव के कनी शेयर कह दियो, अहाँ पूछियो अपन पप्पा से, अहूँ के पप्पा को नहीं कोनो पार्टी में हेता, अहाँ अपन पूछियो चच्चा से, अहाँ पूछियो अपन समाज के तमाम ठेकेदार से जे राजनीतिक दल के झंडा उठबे छे, जे भाई अहूँ के समाज में हम ई दावा के संग कह सकै छी दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर बेगूसराय के में जतेक भी वार्ड पड़ित हो, जते भी प्रखंड हो और जते भी प्रखंड के जतेक भी पंचायत हो और जतेक भी पंचायत हो पंचायत के वार्ड हो, प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2-4 बच्चा ग्रेजुएशन के हेते जकर रिजल्ट पेंडिंग छे, जे ग्रेजुएशन पास कर गेल छे लेकिन ओकर रिजल्ट नहीं दे रहल छे, सौंसे एडमिशन चालू छे जेएनयू में, डीयू में, देश के तमाम उस शैक्षणिक संस्थान में एखन एडमिशन चालू भ गेल छे। हम किस दिन पहले हम तो विश्वविद्यालय मतलब लगभग छोड़ दलों, चूंकि विश्वविद्यालय दलाली के अड्डा छे, ओतो बुढ़वा छात्र नेता सब अहाँ के भेटत, बुढ़वा छात्र नेता जकर दाढ़ी पाक गेले, केस पाक गेले, ओतो किछु नहीं करे छे सिवाय दलाली ओ किछु नहीं करे छे। देखियो हमर मिथिलावादी पुरुषोत्तम जे छथि महापुरुषोत्तम ई कहि रहल छथि जे माझी के बयान देलके ओहि पर हमर जे छै से बयान, माझी पर के बयान देबे के छियै, माझी पर हम बयान दै के लेल छियै, गजब बात है। यह चाहि रहल छै तमाम राजनीतिक दल के नेता जे हम अहाँ अपन मूलभूत मुद्दा से भटक जाए, हम अहाँ अपन मूलभूत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ऐ मुद्दा से भटक के हम माझी पर चल जाइए, माझी बयान दै छै मूर्ख छै कि, ओकरा सब बुझल छै, ओ चर्चा में रहक लेल बयान दै छै। तमाम नेता ऐ तरहक मुद्दा बस यह दुआरे उठबै छै जे 85,000 बच्चा के स्नातक के रिजल्ट पेंडिंग में छै, ऐ मुद्दा से ओ 85,000 बच्चा, ओ 85,000 माय बाप के हम ध्यान भटका दिए। सिंगल नेता ऐ बात के लेल नै छै, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जकर राजनीतिक दल जे जकर राजनीतिक संरक्षण में ओ संगठन चलै छै ओकर तमाम सांसद छै, एक बेर मुद्दा नहीं उठबै छै। लेकिन ई चीज नीक लागल एबीवीपी के जे बिहार के विश्वविद्यालय में व्याप्त जे घोटाला छे ओ घोटाला के विरुद्ध आवाज तो उठेल के, लेकिन श्रीमान राज्यपाल के कर छे यो कोन विचारधारा के राज्यपाल छे, के नियुक्ति करे छे, के करोड़ों ले छे। श्रीमान एकटा चीज कह चाहब अंत में जे हमर या अहाँ के हम कोनो भी पार्टी के लो के विरोध नहीं कर रहल छी, हम ए बात के लो के विरोध कर रहल छी चूंकि हम एकटा छात्र नेता छी और छात्र नेता छात्र राजनीति में पूर्णतया सक्रिय हम रही और जहाँ देर सक्रिय रही वो DSW के चैम्बर हो, रजिस्ट्रार के चैम्बर हो या वाइस चांसलर के चैम्बर हो, कोनो भी चैम्बर में बिना परमिशन के छात्र के मुद्दा पर अगर कुर्सी पटके के जैसे से हिम्मत की रखे चले पूरा विश्वविद्यालय में तो सागर नवदिया रखे चले। लेकिन आय के तित्व में विश्वविद्यालय छात्र नेता विहीन भ गेल है, विश्वविद्यालय जैसे से दलाल और मवाली के हाथ में चल गेल है, एकोटा नेता हमारा अहाँ के लेल चिंतित नहीं है, एकोटा नेता एकोटा राजनीतिक दल हमरा अहाँ के लिए नहीं सोचिए, वो राजनीतिक दल के झंडा के लोके हुए राजनीतिक दल और वो नेता के लोके हम अहाँ आपस में नहीं लड़ी, हम अहाँ इस सवाल पर लड़ी जे आज महीनों बीत गला के बावजूद 28 जून के, सर हम मानै छी कोविड के कारण लेट भेले, लेकिन 28 जून के जे रिजल्ट के अबाक छले वो 28 जून से 28 जुलाई भ गेले, फिर मई भ गेले, पता नहीं की भ गेले, की कह रहल छै।
पांच महीना पहले चार महीना पहले रिजल्ट देवाक छले लेकिन नहीं आबि रहल छे। हे श्रीमान, फेसबुक के माध्यम से हमर गप के सुननिहार सोचियो, अहू के पप्पा, अहू के चचा, अहू के समाज के लोग, ठेकेदार सब, तमाम राजनीतिक पार्टी के लिए, सब पार्टी के लिए झंडा उठबे छे कि वो नेता हमरा हक लेल छे सतर्क। ये चार जिला के छबू सांसद आई बात कर लो के क्या ने को दिन भाई चांसलर से भेंट करे या राज्यपाल से भेंट करे जे 85,000 बच्चा के भविष्य अधर्म लटकल छे, करोड़ों करोड़ों के फंड छे, प्रत्येक के जैसे जे की नहीं छे। और सांसद महोदय के फोटो देख लिये बड़ा चंबा हुई है, हे दरभंगा के धरती, बाप रे बाप, बाप रे बाप। हम योग्यता पर सवाल नहीं उठबे छी लेकिन आई बात पर सवाल जरूर उठबे छी साथी, जे की एतेक संवेदन शून्य सांसद दरभंगा का हो सकती है, जब कहीं हो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर मामले में कहीं शिखर पर रहे वाला दरभंगा इतने कमजोर कोना भ गए। और एतुका जनता, एतुका जनता मोदी 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 के नाम पर वोट दिलिए, मोदी के नाम पर वोट दिलिए, कोनो गर्व नहीं चल गई, मोदी के नाम पर वोट ककरो तक चुन लेवे, जबकि एक शब्द नहीं उठबे ओकरा जे छै से पागुर माला पहिरबो के सिवा कोनो जे छै से अथी नहीं रहे। हमरो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव छे, हमरो चुनाव लड़वा छे लेकिन हम ए बात से नहीं डरे छे जब हम ककरो विरोध करबे तो क्यों हमर जे छै से पत्ता काट देते, हमरा में ताकत रहते ना ककरो विरोध कर के हम कोनो भी सत्ता हासिल कर सके छी। लेकिन अहां सब सोचियो, तमाम अभिभावक सोचियो, तमाम छात्र नौजवान सोचियो, आज अगर 85,000 बच्चा ये बात के लिए सोच ले जे हमर रिजल्ट पेंडिंग में है और हम असहाय छी, हम तीनटा बच्चा के, दूटा लड़की और एगो लड़की के, दूटा जैसे से लड़का और एकटा लड़की के देखलिए विश्वविद्यालय में नीचा में बैठ के अकेला धरना दे छले, ओकर कहब छले कि लॉ में श्रीमान हमर एडमिशन होय वाला है, हमरा रिजल्ट नहीं क्लियर करके दौ रहल जाए, दू दिन चार दिन का बाद हमर एडमिशन बंद हो जाए, हमरा रिजल्ट दिल जाए, लेकिन ओकर क्यों दर्द नहीं सुनो वाला छे भैया, क्यों नहीं सुनो वाला चले, हम सब फोटो देखने हमें विश्वविद्यालय से जी जुड़ल आपसे फोटो देखने हमें, हमारी लाइफ के शेयर करो, हम अपन दिलक बात कह रहा हूँ, दिलक अनुभव शेयर कर रहा हूँ यहाँ सबसे। जी तीनटा बच्चा के देख लिये कौन की डी यू में हमारा लॉ में एडमिशन लगा के हमारा जैसे रिजल्ट दिए और रिजल्ट नहीं दे, हम एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए लेकिन एकटा क्यों नहीं है। सोचियो राजनीतिक दल के झंडा उठवा वाला जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हे मिथिला मैथिली के कर्णधार सब, सोचियो जे विश्वविद्यालय के अंतर्गत चारटा जिला पड़े छे और चारटा जिला के जनता जे प्रतिनिधि के, जे दल के वोट दे छे, ओय में लगभग छोटा सांसद होबे छे, लगभग 40 विधायक होबे छे, और वो छोटा सांसद और 40 विधायक और जे छै से MLC 85,000 बच्चा के लेल एकटा शब्द नहीं बाजे छे। अहाँ केहन जनप्रतिनिधि के चुने छे, अहाँ केहन दल के वोट दे छे, अहाँ केहन लोग के वोट दे छे, से अहाँ के तय करो पड़त। अहाँ NDA और UPA नाम पर वोट नहीं दियो, अहाँ आई नाम पर वोट दियो जे अहाँ के बच्चा के 85,000 बच्चा के, वो बच्चा भ सके या हमर घरक कोनो बच्चा नहीं हो लेकिन हमरो टोलक कोनो बच्चा जरूर ग्रेजुएशन में हेतै जकर रिजल्ट पेंडिंग में छे। और छगुंता के गप ई है, छगुंता के गप ई है जे मिथिला के खून, आई छात्र सब के खून, 85,000 में से कोनो अगर आंदोलन कोनो कोनो भी छात्र संगठन ठाड़ करे, 85,000 में से 85 गो बच्चा नहीं हेतै वो आंदोलन के समर्थन में। साथी हमरा अहाँ के मानसिक गुलाम बनाल जा रहल छे, हमरा अहाँ के एहन व्यवस्था में राखल जाय छे जखन जे में लोग के लागो लगे छे कि रिजल्ट एनाहिते भेटै छे। श्रीमान जाके भारतक उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करियो, देखियो जाके एखनो जे छै से एकटा गलती पर हजारों छात्र के कारवा निकल जाय छे जे हमरा संगे अन्याय करबही तऽ नहीं चलत, हमरा अहाँ के मानसिक गुलाम बना देल गेल है, हमरा अहाँ लग एहन व्यवस्था बना देल गेल है जैमे लोग के लागो लगे छे कि व्यवस्था तो एहने छे, जबकि सही मायने व्यवस्था बहुते बेहतर रहे छे। क्योंकि जखन हम ISC करे छलिए तो हम अपन पिताजी के कॉलेज बहेरा महाविद्यालय बहेरा में रही, और ISC में हम जे छै से अहाँ के बाहर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश के ट्यूशन कर लेलिए, हमरा पते नहीं चले कॉलेज लाइफ की होइ छै। लेकिन जखन हम CM कॉलेज दरभंगा में गेलिए और जखन हम यूनिफॉर्म देलिए, टाई लगेलिए, बेल्ट लगेलिए, कॉलेज में गेलिए, प्रोफेसर के जे छै से लेक्चर सुनलिए, तखन हमरा फील भेलै कि अरे कॉलेज लाइफ तो ई होइ छै, कॉलेज लाइफ में तो मतलब ओ जे यूनिफॉर्म पहिरलाक बाद एकटा फीलिंग होबै छै, अरे जाइत रहबै बगल में चर्चा करत कौन सब है तो CM कॉलेज का स्टूडेंट है, तखन जे अहाँके अंदर में एकटा फीलिंग है कि लो पबै छै हमरा अहाँके गाँव घर समाज के छात्र, कि ओ यूनिफॉर्म के दर्शन कऽ पबै छै,
यो दिल्ली बम्बई के बड़का बड़का शीशा वाला महल में पढ़े वाला बच्चा के और ठगुआ वाला बाप के बच्चा के ओकरे ता अधिकार छे कि ओ यूनिफॉर्म पहिर के ओ फील लो पबे जे कॉलेज लाइफ केहन होय छे। ई गांव घर समाज के जे छे गरीब लोग के ई अधिकार नै छे। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के गांव में रह वाला लोग के बच्चा के ई अधिकार नै छे जे ओहो ई फीलिंग लो पबे जे कॉलेज लाइफ की होय छे। शिक्षा अहाँ अपन जीवन में दोबारा नै हासिल कर सके छी। शिक्षा अहाँ के एके बेर भेटत, चाहियो को दोबारा हासिल नहीं कर सके छी। और अहाँ के मौलिक अधिकार है शिक्षा, वही शिक्षा में कॉलेज लाइफ की हुई छे ई चीज अहाँ फील नहीं करी छी। मनुष्य योनि में जन्म लेलो है, एक बेर का बेर दोबारा जन्म नहीं हाथ अहाँ के, ते में कलयुग में जन्म लेलो है। सब ठाम हम ई गप कहे छी। साथ ही एकेटा बात हम कहब, एकेटा अनुरोध हम कहब कि अहाँ के जीवन संगे खिलवाड़ होइए। दोबारा अहाँ मनुष्य नहीं बनब, दोबारा अहाँ छात्र नहीं बनब। और एक बेर अहाँ के जीवन भेटल है, एक बेर छात्र बनलू है, तखनो अहाँ ई फील नहीं लौ पेलिए जे कॉलेज लाइफ की छे। आई 85,000 बच्चा के भविष्य के संगे खिलवाड़ भ रहल छे, एकटा सुनो वाला नहीं छे। छोटा सांसद 40 विधायक एकटा आवाज उठो वाला नहीं छे। एकेटा गप के हम तमाम नौजवान साथी, हम ई नहीं कहे छी कि हमरे विचारधारा पर अहाँ चलू, हम ई नहीं कहे छी कि ओकरा विचारधारा पर अहाँ नहीं चलू, लेकिन एते गप जरूर कहे छी जे अहाँ के लेल, अहाँ के परिवार के लेल, अहाँ के समाज के लेल, अहाँ के गांव के लेल और अहाँ के अपना लेल जे भी उचित निर्णय है, वो निर्णय जरूर लिया। पढ़ लिख के मूर्ख नहीं बनू और जीतन नाम माझी के चर्चा पर अहाँ नहीं उलझू। उस चर्चा बस यह कारण से करी छे हमर अहाँ के ध्यान एकोटा साथी, लगभग 203 गो साथी हमरा संगे जुड़ल छे कि अहाँ सबके बुझल छल जे 85,000 छात्र के बच्चा जे 4 जिला के क्षेत्र दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर बेगूसराय ओकर स्नातक के रिजल्ट जे 2-3 महीना पहले निकल जेबाक चाहिए अखनो तक नहीं निकल लिया, कि मुद्दा अहाँ सबके जानकारी में अछि, कि मुद्दा फेसबुक पर नहीं लिखल जाय छे, कि मुद्दा छात्र नेता सबके द्वारा नहीं उठाएल जाय छे। उठाएल जाय छे, लिखल जाय छे, लेकिन अइ मुद्दा से अहाँके सरोकार नहीं है। अहाँ के सरोकार ओहन मुद्दा से जे मुद्दा से अहाँके समाज के कल्याण के जे छै से कतौ से कोनो मतलब नहीं छै। हम वहाँ ध्यान नहीं दै छियै। हम जखन कहलूँ तखन अहाँ पता करबै भाई साहब 213 आदमी जुड़ल छी और हमारी लाइव के शेयर करू, जते भी आदमी हमारी लाइव के बाद में देखब वो आदमी अपन घर के अगल बगल अपन टोल में पता करबै तो कम से कम 3-4 गो छात्र अहाँ के भेट जाए, जे छात्र के रिजल्ट पिछला 2-3 महीना पहले निकल जेबाक चाही, 2-3 महीना बादो एखन तक नहीं निकल रही है, ओकर भविष्य अधर्म छै। अहाँ पता करबै तखन अहाँ के पता चलत कि हमर समाज के शैक्षणिक व्यवस्था की छै, हमर समाज के उस शिक्षा व्यवस्था के दयनीय हालात की छै, हमर समाज के नेता हमरा लेल की कह रहल छै, हमरा लेल की सोच रहल छै, कि हम एहन नेता के वोट देबै जे हमरा वोट से जीत के गेला के बाद हमरा अहाँ के लेल और वो अभिभावक जे ओ नेता के जितबेलखिन है, जे ओकर झंडा उठेलखिन है, ओहि अभिभावक के बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ होइत रहे और वो अपन नंगा आंख से ही खिलवाड़ के देखित रहे, तो चीर हवन करित रहे कि एहन नेता के हम अहाँ समाज के नेतृत्व करे के बाद कन्हा पर देबे, कि हम अहाँ एहन नेता के चुनबे। साथी एखनो जागू, एखनो समय है। चीनी मिल, जूट मिल, पेपरे मिल तक छीनल गेल है, एयरपोर्ट जे छै से सेहो छीनल गेल छल, सब चीज तो छीनिए लेलक। पलायन कपार में लिखले, घोसल है कपार में पलायन, डिग्री ले या दिल्ली बम्बई, पर पढ़ल लिखल छी तो मैनेजर बनब, मूर्ख चीज जे छै से अहाँके नहि पढ़ल लिखल छी तऽ अहाँ कतौ जे छै से कोनो कतौ काज करब किछु, जे पढ़ल लिखल छै से बड़का बड़का फैक्ट्री में गेल। आइ अहाँ देख लियो, छोट चीज अनुभव हम कहै छी, अगर अहाँ के नीक शिक्षा व्यवस्था चाही तैयो अहाँ के मिथिला से बाहर अन्य प्रदेश पर निर्भर रह पड़त। नीक शिक्षा व्यवस्था चाही तऽ अहाँ कोटा जाओ पढ़े लेल, दिल्ली जाओ पढ़ो के लेल, पंजाब जाओ पढ़ो के लेल, बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ पढ़ो के लेल। अहाँ के अगर नीक शिक्षा व्यवस्था चाही, अगर अहाँ के नीक स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अगर बड़का ऑपरेशन करेबा के खुदा न खास्ता किछु भऽ गेल परिवार में समाज में, तैयो अहाँ के दिल्लीए बम्बई पर निर्भर रह पड़त। अगर अहाँ के रोजगार चाहिए तैयो अहाँ के दिल्लीए बम्बई पर निर्भर रह पड़त। अहाँ के नेता की कह रहल, अहाँ के नेता प्रश्न किया नहीं उठा रहल कि ओतय जे छै से मतलब आदि जमाना से जे छै से रोजगार के साधन रहै तमाम प्रदेश में, कि सबके सबठाम आजादी के बाद भेलै, आजादी से पहले तो हम अहाँ जे छै समृद्ध रही, एकटा समय रहै जखन पूरा देश में 40% चीनी के उत्पादन जे छै से हम अहाँके दैत रही, विदेश जाइत रहै हमर अहाँके चीनी। तऽ श्रीमान अहाँके नीक शिक्षा व्यवस्था चाही तैयो दिल्लीए बम्बई पर निर्भर रह पड़त, अहाँके नीक स्वास्थ्य व्यवस्था चाही तैयो दिल्लीए बम्बई पर निर्भर रह पड़त, अहाँके रोजगार चाही, नौकरी चाही, दाना पानी चाही तैयो के लेल दिल्लीए बम्बई पर निर्भर रह पड़त। अहाँ सोचियो जे अहाँके इर्द गिर्द में की है, अहाँके लग अपना की है, कि अहाँके लग किछु बचल अछि? तऽ जखन नजर से देखबै, हृदय से देखबै साथी, तऽ पता चलत कि हमरा सब लग किछु नहि बचल अछि।
एकटा आग्रह करब कि अहाँ के माता जी पिताजी अई बात के लोग के आवाज नहीं उठेलखिन जे अहाँ के कॉलेज में प्रोफेसर नहीं छे, प्रयोगशाला नहीं छे, पुस्तकालय नहीं छे, पढ़ाई नहीं हुई छे, वो आवाज नहीं उठेलखिन ते हमरा अहाँ के खराब शिक्षा व्यवस्था हमरा अहाँ के कॉलेज में भेटल। और आई के डेट में अगर हमू आवाज अहाँ नहीं उठेब, अगर हमू अहाँ नहीं बजबे, ई बात को मान लियो कि आबे वाला जे पीढ़ी छे, अहाँ के जे बेटा है, अहाँ के समाज में जे बच्चा पैदा लेते न, ओहि बच्चा के हमरा अहाँ के जतेक बदतर शिक्षा व्यवस्था भेट रहल है, ओहो सब बदतर शिक्षा व्यवस्था जे छे ओ बच्चा के भेटते। अगर ओहो बच्चा नहीं बजते ओकर बाद वाला पीढ़ी के एहन शिक्षा व्यवस्था भेटते जे पूर्णतया खत्म भ गेल रहते। और सरकार के साजिश छे, सत्ता में बैठल लोग के साजिश छे जे हमरा अहाँ के विपन्न बना दी, गरीब बना दी, अशिक्षित बना दी, अयोग्य बना दी। आ जतेक भी मैथिल आगू बढ़ला एकोटा मिथिला क्षेत्र से नहीं बढ़ला। अब बात का अगर छोड़ दी तो जतेक भी मैथिल आई देश विदेश में नाम कमा रहा छथि सब सब दू तीन पुस्त पहले जैसे से पलायन कर गेलखिन, दू तीन टा जनरेशन पहले पलायन कर गेलखिन, वो अपन संघ के जैसे से आर्थिक आधार तैयार केलखिन, तो पलायन दू तीन पुस्त पहले दू तीन जनरेशन पहले वो पलायन केलखिन, अपन आर्थिक आधार तैयार केलखिन, सामाजिक केलखिन, राजनीतिक केलखिन, हर मोर्चा पर जैसे से शैक्षणिक रूप से केलखिन, तखन जाके वो जैसे से आई ओकरा देखै छै कि फल्ला एते धनिक छै, चिल्ला एते धनिक छै, मिथिला क्षेत्र से नहीं भेलै है, तो पलायन कह के गेल रहे कि एकटा नम्र निवेदन करब, एकटा नम्र निहोरा करब जे हम अहाँ समाज के चेतना संपन्न नौजवान छी, चेतना संपन्न जैसे से युवा साथी छी, कम से कम हम अहाँ तो अपना आपके जरूर बदल सके छी। आज यहाँ लग 40 विधायक है, 6 सांसद है, तमाम बहुत सारा विधायक और सांसद सिंडिकेट के सीनेट के मेंबर होइ छथिन, विश्वविद्यालय में जिनका राजनीतिक हिस्सेदारी रहे छे, लेकिन एकोटा एक बात के लोग आवाज नहीं उठा रहा छथिन जे 85,000 बच्चा के रिजल्ट जे 3 पहले भेज जेबाक चाही छल वो आज तक किए नहीं भेटले। हमर सांसद दरभंगा जाके ओतः पागर माला पहरी छथिन, हुनका हंसी कोना आबै छनि हमरा ई नहीं बुझल है, लेकिन एकटा बात जरूर कहै छी साथी, अगर पूछबे हमरा से जे सागर नवदिया आप सांसद रहते तो क्या करते, सागर नवदिया अगर सांसद रहते न तो सबसे पहले जय चीज लको स्वागत करो के लिए लोग भीसी हले न तो रवार से ओकरा दबाती है जे रे 85,000 छात्रों का भविष्य अधर में क्यों लटका है जवाब दो, वो भाई सांसद पैन पैन भ जेते, पैन पैन भ जेते। लेकिन सांसद महोदय बुझो है तखन ने अहाँ किछु कहबे, अहाँ के तो अपने नहीं बुझल है, अहाँ के पढ़ा दे ऐसे डील हुआ, ये हुआ, फला हुआ, चिल्ला हुआ, ऐसे जो है विश्वविद्यालय के गजट में ऐसा हो गया, इसका बजट ऐसे हो गया, ये पहले वाले भी अहाँ का कितना पढ़ा दे, अहाँ का अपने ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो बुझबे करे ना, अहाँ पढ़ा दे, अहाँ के का जानकारी ही नहीं है, अहाँ के अपन अधिकार के बारे में पता नहीं है, अब पता है तो बुझे किया नहीं छी, अहाँ नहीं बुझे छी, ऐसे हमारा सबको लोग नहीं अहाँ के बुझल। तो श्रीमान हमर अहाँ के समाज के नृत्यकर्ता चेतना शून्य भ गेल है, अपन राजनीतिक दल के जे सिरमौर छै ओकर पूजन में लिप्त भ गेल है, ओकरा भगवान मानो लगले है, कोनो भी पार्टी हो, कोनो भी दल हो, हमरा अहाँ के लिए नहीं सोच रहा है, हमरा अहाँ के अपना बारे में अपने सोचो पड़ते, क्यों हमरा अहाँ के लिए सोचो के लिए नहीं हेतु, एकटा निवेदन करब, एकोटा निहरा करब कि अ वीडियो के कनी शेयर कह दियो, और वो 85,000 छात्र जकर रिजल्ट पेंडिंग में छै वो छात्र के अभिभावक के ए बात के पता चले कि जे नेता के जे पार्टी के जितबो के लेल वो झंडा उठेलखिन, वो पार्टी और वो जैसे से नेता हमर बच्चा के लेल एक शब्द नहीं बाज रहल छै, एक शब्द नहीं बाज रहल छै, फेसबुक पर एकटा एटलीस्ट पोस्ट नहीं कर रहल छै, ट्विटर पर एटलीस्ट एगो ट्वीट नहीं कर रहल छै। हाय रे व्यवस्था, हाय रे लोकतंत्र, हाय रे नेता, वाह 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 वाह, बस सैल्यूट है आज श्रीमान, एकदम गर्व से एकदम बाप रे बाप, हाय रे लोकतंत्र, हाय रे लोकतंत्र के जननी, प्यार, बाप।